वजह से कशीदगी बरकरार। पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान दोबारा झड़पें हुईं। गुज़श्ता रोज़ मुजाहरीन के पथराव से दो पुलिस अहलकार शहीद, मुतअद्दद जख्मी हुए। चौक यतीम खाना ट्रैफिक के लिए बंद। अमन अमान के पेश नज़र बाबू साबू फैजपुर इंटरचेंज बंद रहा। शाहदरा चौक, पुराना रावी पुल, सगिया बंद, मुल्तान रोड, खाड़क नाला, कतबा चौक, समनाबाद में कंटेनर लगा दिए। मेट्रो बस सर्विस भी आरजी तौर पर बंद। चौक यतीम खाना, समनाबाद, सब्जाजार, गुलशन रावी, इकबाल टाउन से मुल्हिका इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब ने मजहबी जमात से मुज़ाकरात के लिए दो रुकनी कमेटी बना दी। सूबाई वज़ीर राजा बशारत और चौधरी ज़हीरुद्दीन मुज़ाकरात के लिए नामजद। उस्मान बुज़दार ने लिखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक मुल्क में अमन के लिए सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। महंगाई आसमां पर, अपोजिशन सड़कों पर आ गई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जैन मंदिर चौक में एहतजाजी मुजाहरा। नून लीगी कारकुनान ने बिजली के बिल जला दिए। ख्वाजा साद रफीक ने कहा हुकूमत ने आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए। महंगाई रोकना है तो नाहल हुक्मरानों को घर भेजना होगा। ख्वाजा इमरान नजीर की भी गरज बरस। सरदार अयाज सादिक, सलमान रफीक, महर इश्तियाक, चौधरी शहबाज, मियाँ मुजतबा, शुजाउरहमान, मलिक वहीद, समीउल्ला खान, राव शहाबुद्दीन, बाख्तर समेत दीगर रहनुमा रैली की सूरत में पहुंचे। बगैर इजाजत जलसा क्यों किया, पुलिस का मुजाहरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर एमएनए परवेज मलिक मरहूम के घर गए। शाइस्ता परवेज और उनके साहबजादों से दुख और अफसोस का इजहार किया। डॉक्टर जावेद अक्रम, जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम, मेयर लाहौर मुबशर जावेद, मोहम्मद अहमद कयूम, मियाँ मिसबाह रहमान, तारिक मिसबाह भी मौजूद थे। म्यू अस्पताल में नौजायदा बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए जदीद यूनिट की तामीर मुकम्मल। 50 बेड के यूनिट की तामीर पर 1,20,00,000 खर्च आया। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इफ्तिताह किया। सीईओ म्यू अस्पताल डॉक्टर साकिब सईद, डॉक्टर इफ्तिखार, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेम पाल सिंह भी हमरा थे। जनरल अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने डेंगू के लिए मुख्तस वार्ड का भी दौरा किया। डॉक्टर रियाज हफीज, प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीद जफर ने इंतजाम का बताया। पंजाब पुलिस के 368 सब इंस्पेक्टर्स की तरक्की। इंस्पेक्टर का ओहदा मिल गया। ग्रेड 16 में तरक्की का नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर के 119 इंस्पेक्टर शामिल। माजिद बशीर, यासिर अब्बास, मुख्तार अहमद, मजहरुल हसैन, आरिफ अयूब, शबीर अहमद अवान, हसनैन फारूक और नासिर हमीद तरक्की पाने वालों में शामिल। बल्दिया उज़्मा में उखाड़ पिछाड़, 26 अफसरान के तकर्रु तबादले। तहमीना लतीफ काउंसिल ऑफिसर एमसीएल तायुनात, मोहम्मद उस्मान लियाकत एमओ रेगुलेशन, रिजवान अली डेप्टी चीफ ऑफिसर गुलबर्ग जोन मुकर्रर, जुनेद अहमद, अतीक आशिक, मलिक मोहम्मद अली का तबादला। अफसरान मेयर लाहौर को जवाबदेह होंगे। एमसीएल की गाड़ियाँ असासे जली हुकूमत के मातहत रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरे लाहौर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दौरे यूरोप और जीएसपी प्लस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला की भी वज़ीर आज़म से वन ऑन वन मुलाकात। बल्दियाती एक्ट की बहाली, पंजाब की सियासी सूरतहाल और N133 के ज़िमनी इंतखाब का बताया। हल्की फवार से सुबह का आगाज। शहर का मौसम खुशगवार, सर्दी भी आने को तैयार। आज सर्दियों की पहली बारिश होगी, मौसम तब्दील होगा। महकमे मौसमियात ने नवीद सुना दी। एसएसपी रिटायर्ड मियां खान मोहल की साहबजादी पिया घर सुधार गई। रिमशा खान की शादी एडिशनल सेशन जज आमिर हबीब के बेटे शाफे से अंजाम पाई। डीआईजी राव मुनीर जिया, प्रोफेसर खुर्शीद आलम, बिजनेसमैन मलिक इकबाल, शाहिद कादर, चौधरी शेर गुज्जर, एडिशनल सेशन जज यासीन मोहल की शिरकत।
और अमारात में मुख्तसर तर्ज की क्रिकेट का आलमी मेला सज गया। शायकीन क्रिकेट टी20 टाकरे देखने के लिए पुरजोश। गुलकारा हुमैरा अरशद का कौमी टीम के लिए गीत पेश।